हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट वीक ऑफ जुलाई से रिलेटेड। और ये सेशन जो होगा वो हिंदी में होगा और यू कैन से बायलिंगुअल होगा। अगर इफ समबडी इज नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी देन वी हैव मेड द सेम वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो एंड दिस विल बी इन द सेम प्ले लिस्ट। अगर आप हिंदी से समझ में नहीं आ रही है सही से तो आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, मैंने अंग्रेजी में पढ़ाया है और वो सेम प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक बटन दबाएं, शेयर करें दूसरों को और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसलिए कि अगर हम कोई नया वीडियो डालेंगे ना तो आप लोगों को फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को जो नए वीडियोस, नए करंट अफेयर्स के वीडियोस आते रहेंगे तो आप लोगों को फौरन पता चलता रहेगा, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। और एग्जाम से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमने खास के एकदम चुन के एकदम जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैंने निकाला है, ठीक है। ओके, सबसे पहला जो है वो है कोविशील्ड, ठीक है। एक कोविशील्ड क्या है? कोविशील्ड जो है ना कोविड 19 का एक वैक्सीन है। अच्छा, कोविड 19 तो आप जानते ही होंगे, कोविड 19 जो है कोरोना वायरस डिजीज है जो कि पूरे वर्ल्ड में जो है पैंडेमिक बना हुआ है, ठीक है। और इसके लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाया है, किसने बनाया है? एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, और एस्ट्राजेनेका जो है ना एक दवा की कंपनी है या फार्मास्यूटिकल कंपनी आपका है, यूके बेस्ड, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या जिसको आप इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात तो, लेकिन ये इंडिया में क्यों न्यूज में है? ये इसलिए न्यूज में है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक बॉडी है, उसने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे इसी दवा का, कोविशील्ड का, इंडिया में भी, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है? देखिए, क्लिनिकल ट्रायल्स ये होता है कि उससे पहले कि हॉस्पिटल्स में दवा लाई जाए या मार्केट में बेचे जाए उससे पहले इन्हें ट्रायल किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ हेल्दी लोगों को बुलाया जाता है, उन पर वैक्सीन दिया जाता है उनको, और डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है, ठीक है, और उनको टेस्ट किया जाता है कि क्या ये सक्सेसफुल है कि नहीं, इसको हम क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। सो सीडीएससीओ ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करेंगे इस वैक्सीन का जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने बनाया। अच्छा, सीडीएससीओ होता क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि ये भी न्यूज में है। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी है क्या चीज से रिलेटेड? जो कि फार्मास्यूटिकल यानी दवा से रिलेटेड और जो मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड जो चीजें हैं कि कौन कौन चीज सामान, कौन कौन सामान आने चाहिए मार्केट में, कौन कौन मेडिकल डिवाइसेस या कौन कौन ड्रग जो आने चाहिए, कौन कौन किसको उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, क्या क्या कानून नॉर्म्स के तहत, तो उसको सीडीएससीओ रेगुलेट करता है, ठीक है ना। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? इट कम्स अंडर ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ये मिनिस्ट्री है। और इसके मंत्री कौन है? इसके मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और देखिए आप, ये जो है ना डॉक्टर हर्षवर्धन जी ये न्यूज में थे पिछले 3-4 महीने से न्यूज में, इसलिए कि पैंडेमिक चल रहा अभी, ठीक है ना। तो हेल्थ मिनिस्ट्री खुद ही न्यूज में, ठीक है ना, तो हेल्थ मिनिस्टर का नाम को पता होना चाहिए और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसीलिए डॉक्टर हर्षवर्धन सर का नाम आपको याद होना चाहिए जो कि अभी राइट नाउ हेल्थ मिनिस्टर है। ओके, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है वो भी कोविड 19 पैंडेमिक से ही रिलेटेड है, कोवैक्सीन। देखिए, ये भी एक कोरोना वायरस की ही वैक्सीन है, इट इज अ कोविड 19 वैक्सीन। अच्छा, जो कि डेवलप किया किसने? भारत बायोटेक ने और आईसीएमआर ने। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैक्सीन और ड्रग या मेडिसिन में फर्क क्या होता है। देखिए, ड्रग या मेडिसिन जो होता है उसका काम ये होता है कोई बंदा बीमार हो गया, ठीक है, तो उसको जो है डॉक्टर्स दवा देते हैं, उसको हम ड्रग कहते हैं या मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। वैक्सीन जो होता है ना वो को हेल्दी लोग को दिया जाता है, यानी कोई आदमी हेल्दी है, उसको अभी बीमारी हुई नहीं है, लेकिन उसको पहले दिया गया है एज ए प्रिवेंशन ताकि उसको बीमारी लगे नहीं, उसको हम वैक्सीन देते हैं। जैसे हम लोग ना सुनते होंगे बचपन में पोलियो वैक्सीन दिया जाता था बच्चे को, तो बीमार बच्चों को नहीं दिया जाता, पोलियो से ग्रसित बच्चों को नहीं दिया जाता है, वो हेल्दी बच्चों को दिया जाता है ताकि उनको पोलियो हो नहीं। इसीलिए वैक्सीन जो होता है वो प्रिवेंटेबल होता है, जबकि दवा जो होती है या मेडिसिन जो होती है वो क्योर करने के लिए होती है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है वैक्सीन और ड्रग में। ओके, दूसरी चीज है कि अच्छा, ये कोवैक्सीन जो भी इंडिया में बनाया गया, वो वाला जो पुराना वाला था जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोग पढ़ रहे थे, कोविशील्ड, वो इंग्लैंड में बना था, ये वाला जो इंडिया में बनाया गया है। और किसने बनाया? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक कौन है? एक इंडियन प्राइवेट कंपनी है, दवा बनाती है भारत बायोटेक। ओके, और आईसीएमआर जो है गवर्नमेंट की एक बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है ना, एंड इट कम्स अंडर ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, आप अवेयर रहिए, इसलिए कि हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है। और इसका काम क्या होता है? बायोमेडिकल रिसर्च। बायोमेडिकल रिसर्च में मतलब वही हुआ
दवा के बारे में, कोई नई दवा बना रहे उसके बारे में अगर रिसर्च करना हो तो वही ICMR का काम है, या अगर कोई नई वैक्सीन, कोई नया ड्रग या कोई भी उससे एसोसिएटेड कोई भी थिंग हो उसके बारे में अगर कोई रिसर्च करना होता है तो वो ICMR का काम होता है। ठीक है, आप समझ होंगे कोवैक्सीन जो है वो इंडिया बेस्ड एक कोरोना वायरस की वैक्सीन है, और वैक्सीन जो होता है वो प्रिवेंटेबल होता है ना, दवा के तौर पर नहीं यूज किया था बल्कि एज अ प्रिवेंशन यूज किया था। ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया पहले ये जाने। इट हैज बीन रिलीज बाय FAO। FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन के एक 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है ना, अगर आप कोई पढ़ेंगे डिटेल में तो इसका 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। उसके अलावा इसकी कई सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जैसे आपने नाम सुना होगा यूनिसेफ का, यूनेस्को का, और WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। उसी तरह एक है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की अभी एकदम रिसेंटली जुलाई में, उसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट। अच्छा इस रिपोर्ट में खास क्या है, इंडिया से एसोसिएटेड, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज बहुत एकदम वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वही जा रहे हैं, पूरा रिपोर्ट तो पढ़ना पॉसिबल है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इंडिया रैंक 3rd अमंग टॉप 10 कंट्रीज वेयर फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज इन लास्ट टेन ईयर्स या वन डिकेड। देखिए इंडिया के, देखिए पिछले 10 सालों में 2010 से 2020 में ये देखा गया कि कौन कौन कंट्री ने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज किया है, तो उसमें इंडिया की रैंक 3rd है। पहला किसका है, चाइना का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा इंडिया का। देखिए हम टोटल फॉरेस्ट कवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कौन से मुल्क ने सबसे ज्यादा इंक्रीज किया फॉरेस्ट कवर, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें इंडिया का रैंक जो है वो 3rd है। ठीक है, अच्छा ये जो रिपोर्ट है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये हर साल नहीं आती है बल्कि हर 5 साल पर आती है, इसलिए मैंने उसको रेड से कर दिया है, लिखा है हर 5 साल पर रिपोर्ट आती है। और एक और चीज इस रिपोर्ट ने जो मेंशन किया वो ये किया कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 2% ऑफ टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने फॉरेस्ट उसके 2% जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत मुश्किल भी नहीं, आसान है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसीलिए हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अगला टॉपिक भी पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है करगिल विजय दिवस। अगर आप न्यूज पढ़ रहे होंगे या अखबार देख रहे होंगे तो आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में, करगिल विजय दिवस के बारे में। देखिए करगिल विजय दिवस जो है हर साल मनाया जाता है, 26 जुलाई को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है करगिल विजय दिवस। क्यों, इसलिए कि 1999 में हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जंग हुई थी जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस को हरा दिया था, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हराया था, और वो जिस दिन हम लोग की जीत हुई थी उस डेट था 26 जुलाई 1999। ठीक है, तो इसीलिए 26 जुलाई को हम लोग हर साल कॉमेमोरेट करते हैं करगिल विजय दिवस। ठीक है, ओके, तो कुछ हम लोग थोड़ा बहुत जान ले इसलिए कुछ चीजें न्यूज में है तो आपको कुछ पता होना चाहिए कश्मीर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मैप है कश्मीर का, देखिए ये कश्मीर का मैप है, यहाँ पर पाकिस्तान है, मैं पी से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर चाइना है। ठीक है, और ये रीजन जो है ना ये वाला, ये इलीगली ऑक्युपाइड रीजन है पाकिस्तान के द्वारा, इसको कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये वाली जो लाइन है ये बॉर्डर, इसको हम कहते हैं LOC। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक जगह है इसको कहते हैं अक्साई चीन, जो कि चाइना ने, और 1962 वॉर हुआ था इंडिया वर्सेस चाइना, उसमें चाइना ने ये वाला हिस्सा कब्जा कर लिया था, तो ये वाला जो बाउंड्री है ना इसको कहते हैं LAC। ठीक है, LAC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल, तो मैंने ये दोनों के बारे में डिस्कस कर दिया इसलिए न्यूज में, एक्चुअली LOC और LOC अक्सर न्यूज में रहता है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर पाकिस्तानी फोर्सेस यहाँ एंटर कर गई थी, तो अभी राइट नो तो ये वाला हिस्सा जो है इलीगली पाकिस्तानी इसने आपको ऑक्युपाई कर रखा है, तो लेकिन यहाँ एंटर कर गई थी तो इंडियन आर्मी ने उनको जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था ऑपरेशन विजय के अंतर्गत, और हम लोग 26 जुलाई को ये वॉर जीते थे इसीलिए 26 जुलाई को हर साल करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओके, अगला टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो है 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, पहले जाने कौन सा एडिशन है, 4th एडिशन है। ठीक है, कौन सा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ठीक है, कौन होस्ट करेगा, तो अभी अनाउंस किया गया रिसेंटली कि हरियाणा स्टेट होस्ट करेगा, और उसका ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट कौन होगा,
तो स्टार स्पोर्ट्स होगा, स्टार स्पोर्ट्स एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्स चैनल है और सबको जानते हैं, ठीक है ना। और ये कौन सा है, फोर्थ एडिशन होगा, फाइन ओके। दूसरी चीज ये कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज कौन कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ये मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज कराता है, और इसके मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू सर, और ये बिलोंग्स टू अरुणाचल, ये अरुणाचल से बिलोंग करते हैं। टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया, ठीक है। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स लॉन्च क्यों किया गया, तो कि स्पोर्ट्स कल्चर वगैरह इंप्रूव करने के लिए, आप समझिए इस तरह के एक सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट होगा, ठीक है, जिसमें कई सारे गेम्स खिलाए जाएंगे, अब गवर्नमेंट के द्वारा एंड मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ये जो हरियाणा में होगा इस बार, ठीक है। एडिशन याद रखिए कौन सा है, फोर्थ एडिशन, ठीक है, जो कि अभी होने जा रहा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया था, वो हैव मेंशन दिस। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है 15th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट। पहले जाते हैं समिट का, समिट का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है, समिट का मतलब होता है मीटिंग। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हुई, कैसी मीटिंग हुई, वर्चुअल समिट हुआ, यानी हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, वर्चुअली पढ़ा रहे हैं, यानी ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, आप फेस टू फेस नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वर्चुअल समिट का मतलब होता है ऑनलाइन समिट, ये ऑनलाइन मीटिंग आप समझ लीजिए। सो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ऑनलाइन मीटिंग हुई। अच्छा, यूरोपियन यूनियन होता क्या, पहले ये तो जान लें, यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन नेशंस। सो यूरोपियन यूनियन क्या है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 यूरोपियन देशों का। इसमें क्या होता है कि जो 27 देश है वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, आपस में फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट वीजा या बहुत कम रिस्ट्रिक्शन के साथ। तो लोगों ने अपना एक ग्रुप बना रखा, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, वेट। तो फोटो से इंसान को ज्यादा अच्छे समझ में आता है। देखिए ये है यूरोपियन यूनियन, देखिए ये यूरोप का मैप है, ठीक है, जैसे ये स्पेन है, ये पोर्चुगल है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, ये स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ठीक है, जैसे ये इटली है, ठीक है ना, अगर आप मैप कभी देखा होगा। अच्छा, ये जो रेड से मैंने बनाया ना, ये रेड से जो ये इंग्लैंड है, ठीक है, तो देखिए जो ब्लू से वो तो मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, रेड से जो मैं दिखा रहा हूं ये ब्रेक्जिट। अच्छा, अब चार पांच महीने पहले ये न्यूज में था ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन एग्जिटिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं जैसा आप जानते होंगे, तो ब्रेक्जिट मतलब कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया, और ब्रेक्जिट वर्ड बहुत मशहूर था एक्चुअली। तो पहले यूरोपियन यूनियन में 28 मुल्क थे टोटल, ठीक है, और अब 27 हो गए, कम हो गए, इसलिए कि ब्रिटेन जो है वो बाहर आ गया। तो आपको ब्रेक्जिट भी पता होना चाहिए, इसलिए कि ये सब चीज न्यूज में रहती है अक्सर, तो यू शुड नो दिस, ठीक है। सो ये सब कंट्रीज है जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ओके। अब चलते हैं, हाँ, तो ये जो मीटिंग हुई थी यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच, वो 15th मीटिंग थी और वो वर्चुअल थी ऑफ कोर्स। इसमें क्या, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैज डिसाइडेड टू रिन्यू देयर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर ईयर 2020-2025। इन्हें 2020 तो 2025 में जो 5 साल नेक्स्ट 5 ईयर के लिए उन्होंने साइंटिफिक कोऑपरेशन को रिन्यू किया। अच्छा, पहले भी कोऑपरेशन था इंडिया यूरोपियन यूनियन में, उसको रिन्यू किया गया, ठीक है ना। अच्छा, द एग्रीमेंट वुड एड्रेस चैलेंजेस ऑफ वाटर, अफोर्डेबल हेल्थ, एनर्जी, फूड, न्यूट्रिशन एटसेट्रा। अच्छा, इससे क्या होगा, इस एग्रीमेंट से वाटर, अफोर्डेबल हेल्थ वगैरह में मदद मिलेगी, ठीक है, दोनों में कोऑपरेशन होगा जब नेशंस के बीच, तो उसे एक दूसरे को हेल्प मिलती है, ठीक है। अगला टॉपिक, हाँ, इसी टॉपिक में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट कौन है। तो यूरोपियन यूनियन का जो प्रेसिडेंट है वह उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये याद रखिएगा, इसलिए कि सब गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा एटसेट्रा। और खास यूरोपियन यूनियन समिट अभी न्यूज में था, तो और ही आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट कौन है। दूसरी चीज कि यूरोपियन यूनियन का कैपिटल कहाँ है, तो कैपिटल जो है ब्रसेल्स में, और ब्रसेल्स कहाँ कैपिटल, बेल्जियम का। मैं आपको दिखाता हूँ ब्रसेल्स कहाँ पे, यहाँ पर है समवेयर हियर, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं पर ब्रसेल है, ठीक है। चले अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इंडिया अटेंड्स SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग। तो पहले ये जान लें कि SCO क्या होता है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए, इट इज अ 8 मेंबर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस। आप समझिए यूरोपियन यूनियन टाइप का ही है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है जिस तरह यूरोपियन यूनियन जितना स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड है। लेकिन 8 मेंबर का पॉलिटिकल यूनियन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी यूनियन, जिसमें चाइना आता है, कजाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, रशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। देखिए 8 कंट्रीज है, 8ों का नाम याद रखना मुश्किल है, बराबर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, और अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप दो तीन बार पढ़े रहेंगे तो आप मार्क कर लीजिएगा ऑप्शंस देख के। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप गौर से पढ़े, और अगर बेहतर हो कि आप नोट्स बना लें, ठीक है। तो खास ये याद रखिए कि इंडिया और पाकिस्तान इसका मेंबर है, ठीक है ना। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट जो किया था वो चाइना ने के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जैसे कि शंघाई जो है ना ये शहर है चाइना में, ठीक है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसी से रिलेटेड है। एक बार दूसरी बात देखिए, अभी कौन सी मीटिंग चली थी, हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग। ऑफकोर्स अभी कोविड 19 पैंडेमिक चल रहा है तो फिजिकल मीटिंग तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या हुआ थी कि वर्चुअल मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर, इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, अभी मैंने डिस्कस किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन, वो पार्टिसिपेट किए थे उसमें, और भी जो बाकी मेंबर्स थे उनके हेल्थ मिनिस्टर पार्टिसिपेट किए थे, कोविड 19 पैंडेमिक से रिलेटेड चीजें बात हुई, ठीक है। ओके, अगला टॉपिक। अच्छा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीपी सिंह कमिटी से रिलेटेड। अच्छा अब हम ये जाने ये क्या होता है, इट हैज बीन सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके अच्छा पहले ना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हम लोग कहते थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। अब हम उसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और अभी कौन है उसके मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल, ठीक है। अभी जो मिनिस्टर है आप याद रखिएगा इनका मिनिस्टर का नाम रमेश पोखरियाल जी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का काम ये होता है ना कि कोई एजुकेशन से रिलेटेड सारे मैटर्स को देखना होता है, ठीक है ना, उससे एसोसिएटेड। तो इसी मिनिस्ट्री ने एक कमेटी सेटअप की है, उसका नाम है डीपी सिंह कमेटी। और कमेटी का काम क्या है, इट इज सेटअप टू फ्रेम गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट मोर स्टूडेंट्स स्टे इन इंडिया एंड कंटिन्यू देयर हायर स्टडीज। देखिए होता क्या है कि जब कोई बंदा ग्रेजुएट वगैरह हो जाता है, अगर उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत सारे लोग इंडियंस जो है वो बाहर चले जाते हैं, एमएस कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, या कोई और मास्टर्स कर रहे हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, एटसेट्रा। और अभी तो कोविड 19 पैंडेमिक है तो इस बार तो बहुत पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि लोग बाहर जाएं, ठीक है ना। तो इसीलिए कमेटी बनाई गई है ताकि इंश्योर करने के लिए कि इंडिया में रह पाए स्टूडेंट्स और कोई परेशानी हो। जैसे उस कमेटी में बहुत सारी रिकमेंडेशन होगी, फॉर एग्जांपल जैसे कैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया जाए, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो बाहर की कंट्री में पढ़ना चाहता है ऑनलाइन क्लासेस इंडिया में रह करके, तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे करे, उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसी वगैरह बनाया जाएगा। तो कमेटी के नाम याद रखिएगा डीपी सिंह कमेटी, ठीक है, उसे एसोसिएटेड रहेगी। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है इंडिया श्रीलंका करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। देखिए स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, करेंसी को एक्सचेंज करना। सो इंडिया की जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने क्या किया कि $400 मिलियन जो है वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट श्रीलंका से किया है, ठीक है ना, या श्रीलंका की सेंट्रल बैंक से किया है। जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक को हम आरबीआई कहते हैं, वैसे श्रीलंका की सेंट्रल बैंक को हम सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो एग्रीमेंट है November 2022 तक रहेगा। अच्छा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता क्या, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आरबीआई है, ठीक है ना, ये आरबीआई है, आर से मैं लिख रहा हूँ, और ये श्रीलंका की सेंट्रल बैंक है, ठीक है। सो आरबीआई जो है श्रीलंका की सेंट्रल बैंक को डॉलर देगी, ठीक है, क्या देगी, डॉलर। और उसके बदले श्रीलंका की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई को क्या देगी, श्रीलंका का रूपी देगी, जो श्रीलंका का रूपी है ना, श्रीलंकन रूपी, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन श्रीलंकन रूपी जो होगा वो उसको देगी। अच्छा क्यों इंडिया दे रही, हेल्प कर रही श्रीलंका को, देखिए किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के लिए ना उसके पास डॉलर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग फॉरन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। क्यों डॉलर इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जब आप कोई चीज इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे इंपोर्ट कीजिएगा, कोई भी चीज अगर बाहर से मंगवाइएगा तो आप डॉलर में पे करते हैं, है ना, तो उसके लिए आपके पास डॉलर होना जरूरी है। तो क्या हुआ था ना कि श्रीलंका के पास डॉलर की कमी हो गई, तो इंडिया ने हेल्प किया वो डॉलर दे करके, ठीक है, और उसके बदले इंडिया ने श्रीलंकन रूपी लिया है, ठीक है। अच्छा उसमें और क्या, लेटर ऑन द पार्टी स्वैप इट बैक, मतलब ये कि बाद में स्वैप मतलब एक्सचेंज करना, यानी बाद में एक दो साल बाद तो एग्रीमेंट होता है, जैसे 2022 तक एग्रीमेंट है कि बाद में एक्सचेंज कर लेंगे वापस, यानी इंडिया की जो आरबीआई वापस डॉलर ले लेगी और वापस उनको श्रीलंकन रूपी वापस कर देगी। सो यू कैन से समझिए एक सॉर्ट ऑफ हेल्प है फ्रॉम इंडिया, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्ट्रोस मिशन, ठीक है ना। अच्छा एस्ट्रोस मिशन जाने से पहले हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, तब ये मिशन ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग अगले टॉपिक पहले भी देख लेते हैं इसी में। एक्चुअली देखिए होता क्या है, अगर ये अर्थ है, ठीक है, और ये एटमोस्फेयर है, ठीक है, तो अर्थ और एटमोस्फेयर में कई सारे लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर होते हैं, एक लेयर नहीं होते, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर होते हैं। तो वही हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर के बारे में जानेंगे। तो पहला लेयर होता है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, उसका अगला जो ऊपर जाते हैं उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अगला को मेसोस्फेयर, उसके अगला को
थर्मोस्फेयर, ठीक है। सो 0 से 10 किलोमीटर के आसपास ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, फिर 10 से लेके 50 के अराउंड तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है, 50 से लेके 80-85 के अराउंड मेसोस्फेयर होता है, उसके बाद थर्मोस्फेयर होता है 90 से लेके 100-200 के अराउंड तक, ठीक है। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटोस्फेयर, इसलिए कि जो हम लोग मिशन पढ़ने जा रहे हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर से रिलेटेड है, ठीक है। कैसे हम बताते हैं, देखिए एस्ट्रोस मिशन है क्या, इट विल बी लॉन्च्ड बाय नासा। अच्छा, नासा क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्पेस एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो, हाँ उसी तरह नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है वो एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगी दिसंबर 2023 में, कहां से, अंटार्कटिका से, ठीक है। एंथ्रोस स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ। देखिए बहुत मुश्किल है इतना पूरा याद रखना, तो कैसे याद रखिए, बस दो वर्ड याद रखिए, एस और टी याद रखिएगा। एस मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, यानी ये मिशन जो है कहा जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, मैंने बताया पीछे साइड में स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे, और उसके पास क्या होगा, टेलीस्कोप होगा। टेलीस्कोप का काम क्या होता है, यस डिटेक्ट करना, तो क्या डिटेक्ट करेगा वो, वेवलेंथ, ठीक है, क्या डिफरेंट विजिबल लाइट, ऑब्जर्व वेवलेंथ ऑफ इनविजिबल लाइट फ्रॉम द अर्थ, यानी कई सारी इनविजिबल लाइट आती है उसके वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा टेलीस्कोप के द्वारा, और ये कहां जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट रहेगा ये बैलून, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, इट इज अ फुटबॉल स्टेडियम साइज्ड बैलून, जो ये एक तरह का बैलून रहेगा, जो मिशन जाएगा वो एक तरह का बैलून रहेगा जो कि फुटबॉल के स्टेडियम का साइज रहेगा और ये स्ट्रेटोस्फेयर में रहेगा। मैं कोई इमेज दिखाता हूं तो समझ में आएगा अच्छे से, ये वाला देखिए, ये क्या है, एक बैलून नुमा है और ये एक मिशन है, एस्ट्रोस मिशन का नाम है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में रहेगा और इसके पास टेलीस्कोप रहेगा, ये कई सारे विजिबल वेवलेंथ को, इनविजिबल वेवलेंथ को रीड करेगा, फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अगला टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है तियानवेन वन। देखिए इसका पुराना नाम तो हॉब्सिन वन, और उसका मतलब होता है क्वेश्चंस टू हेवन, का मतलब होता है questions to heaven। देखिए ये क्या है, China has launched its first successful Mars probe। देखिए ये एक satellite होगा जो कि Mars पर जाएगा, Mars probe रहेगा और ये Mars पर जाएगा, Mars के बारे में find out करेगा, ठीक है, और China का ये पहला मिशन है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये कौन से रॉकेट पर जाएगा, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, इस रॉकेट का नाम है, जिस रॉकेट के अंदर ये सैटेलाइट जाएगा उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, ठीक है। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर। देखिए ऑर्बिटर लैंडर रोवर क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए ये मार्स है, ठीक है, अगर एक सैटेलाइट होता है जो उसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटर, उसी में से एक सैटेलाइट जो है, उसी में से एक हिस्सा जो है वो नीचे आके उतरेगा और लैंड करेगा, उसके हम कहेंगे लैंडर, ठीक है। उसी लैंडर के अंदर से एक छोटी सी गाड़ी टाइप की निकलती है, उसमें चक्के होते हैं, ठीक है, और उसके पास कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो मूव कर सकता है उसके सरफेस पर, ठीक है ना, उससे कुछ मतलब फॉर एग्जांपल उसमें कोई पत्थर हो गया उसको रीड कर सकता है एंड ऑल दैट, तो ठीक है ना, ये ऑर्बिटर लैंडर और रोवर होता है, ठीक है। इट बिकेम फोर्थ कंट्री, चाइना बिकेम फोर्थ कंट्री आफ्टर यूएस रशिया एंड इंडिया टू डू सो। ये चौथी कंट्री है यूएस रशिया और इंडिया के बाद जो कि मार्स पर अपना मिशन भेजेगी, एक बार। दूसरी बात, आपने 2-3 साल पहले एक मिशन सुना होगा, मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM, सुना था, या जिसको हम कहते हैं मंगलयान, ठीक है, MOM या मंगलयान, वो इंडिया का मिशन था वो मार्स पर जाने के लिए। सो इंडिया ने ऑलरेडी मार्स मिशन भेज चुका है, ठीक है, सो इस बार चाइना ने भेजा है और ये सक्सेसफुल है, एक बार। दूसरी बात ये कि चाइना ने प्रीवियसली भी अटेम्प्ट लिया था और उसका प्रीवियस अटेम्प्ट 2011 में जो कि अनफॉर्चुनेटली फेल्ड हो गया और उस मिशन का नाम था यिंग हुआ वन, ठीक है। तो ये याद रखिए, देखिए आई नो इट्स डिफिकल्ट कि याद रखना बहुत मुश्किल है ये टेढ़ा सा नाम, लेकिन आपको याद रखना, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आप मार्क कर लेंगे, आप एक दो बार वीडियो का देखेंगे ना तो आप मार्क कर लेंगे, और बेहतर है कि अगर आप नोट्स बनाए तो बहुत ही बेहतर है, ठीक है। देखिए ये है रॉकेट, ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट है, ठीक है ना। अच्छा होता क्या है कि सैटेलाइट यहाँ होता है इसके अंदर, तो होता क्या जब एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है, जैसे ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर से जब बाहर निकलता है उसके बाद ये सैटेलाइट डीकपल हो जाता है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कई जगह खुलते हैं, आपने कई सारे वीडियोज में देखे होंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर सैटेलाइट होता है और इसके अंदर से फिर निकलेगा ऑर्बिटर लैंडर और रोवर जो कि मार्स पर जाके घूमेगा और उस पर लैंड करेगा, ठीक है, ओके। अगला जो लास्ट टॉपिक है वो है ध्रुव वस्त्र। अच्छा ये ध्रुव वस्त्र क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ इट्स इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका नाम है ध्रुव वस्त्र, ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होता है, एंटी टैंक मिसाइल वो होता है जो टैंक को
डिस्ट्रॉय कर सके। हर टैंक, हर जो मिसाइल होता है वो टैंक को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता, इसलिए बहुत पावरफुल होता है। तो उसके लिए खास मिसाइल बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ध्रुव अस्त्र जो है ना एंटी टैंक मिसाइल है, और ये टेस्ट कहाँ किया गया, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एक जगह है चांदीपुर में, यहाँ से टेस्ट किया गया ओडिशा में। ओके, और किसने डेवलप किया, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, एक बात। दूसरी बात ये जाने, देखिए डीआरडीओ का काम क्या होता है ना, कि कई सारे जैसे मिसाइल हुआ या इंडिजिनस जैसे रॉकेट बनाना है, या नॉट रॉकेट, इंडिजिनस लाइक एरोप्लेन बनाना है, जेट बनाना है, एटसेट्रा वगैरह बनाना है, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड, तो वो डीआरडीओ में रहता है। इनफैक्ट एपीजे अब्दुल कलाम भी जो फेमस साइंटिस्ट है वो भी डीआरडीओ से एसोसिएटेड थे, एक बात। दूसरी बात ये कि ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, इंडिजिनस का मतलब होता है हाँ विद इन द कंट्री बना हुआ, यानी मेक इन इंडिया के अंतर्गत, मतलब दूसरे बाहर कंट्री से इंपोर्ट नहीं किया गया, सब कुछ इंडिया में बनाया गया। इंडिजिनसली डेवलप्ड का मतलब ये होता है, एक बात। अच्छा, इसका दूसरा नाम जो है वो है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल, जिसको हम लोग हेलिना भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली आप ये समझते हैं कि ध्रुव अस्त्र का पुराना नाम हेलिना था और ध्रुव अस्त्र जो है उसका नया नाम है, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन है, फाइन। ओके, देखिए इसकी इमेज मैं दिखाता हूँ, ये इसका इमेज है। देखिए ये जो है ना हेलीकॉप्टर से नहीं लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन देखिए मैंने यहाँ लिखा ना कि आई हैव मेंशनड कि ये हेलीकॉप्टर लॉन्च है, नहीं इसको हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इस वीडियो में जो फोटो रिलीज हुई है उसमें हेलीकॉप्टर से नहीं लॉन्च किया गया, लेकिन इसमें खास बात यह कि इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम हेलीकॉप्टर ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू।